चलिए आज बनाते हैं एकदम अनोखे अंदाज में लिट्टी, वो भी कढ़ाई में, और साथ के साथ तीखा चटपटा वाला चोखा, साथ में पुदीने की चटनी और लच्छे वाला प्याज, और साथ में जो घी के साथ डिप की हुई लिट्टी है ना, उसका तो टेस्ट ही कुछ और है। तो आज बनाएंगे एकदम अलग अनोखे अंदाज में बिहार फेमस लिट्टी चोखा, जो कि मेरा ना बहुत ही ज्यादा फेवरेट है। तो वैसे तो सभी लोगों का अलग अलग मेथड होता है चोखा बनाने का, तो मैं आज ना अलग अंदाज में चोखा बनाने वाली हूँ। वैसे तो नॉर्मल हम क्या करते हैं ना, बैंगन को ना डायरेक्ट गैस पर भून लेते हैं, तो मैंने क्या करा ना, मैंने सबसे पहले ना इसे कट कर लिया है छोटे छोटे पीसेस में। ऐसे में ना एक फायदा ये भी होता है कि अगर इस बैंगन के अंदर कोई कीड़ा है तो वो भी आपको दिख जाएगा, और साथ के साथ जब आप इसको इस तरीके से पीसेस में कट करके भूनते हैं ना, तो सब एक एक फ्लेवर में ना एकदम स्मोकी वाला फ्लेवर वाला टेस्ट आ जाता है। जैसे कि हम नॉर्मल गांव वगैरह में एकदम ट्रेडिशनल की तरीके से लिट्टी चोखा बनाते हैं ना, एकदम वैसा। तो आप मेरे इस मेथड को एक बार ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने इनको ना छोटे छोटे पीसेस में काटा है और बैंगन में हल्का हल्का ना चाकू से थोड़ा थोड़ा छेद करा है, और साथ में टमाटर, हरी मिर्च और बैंगन को ना ऑयल से ग्रीस किया है। तो पूरे प्रोसेस में ना हम सरसों का तेल और घी यूज़ करने वाले हैं, इन दोनों का ही फ्लेवर अच्छा लगता है, रिफाइंड या फिर कोई और तेल ना यूज़ करें। तो इस तरीके से अलट पलट के ना मैंने इस तरीके से इस बैंगन को अच्छे से भून लिया है। अब साथ के साथ ना यहाँ पर हम टमाटर और हरी मिर्च, साथ में अदरक को है ना अच्छे से भून लेंगे। अदरक और हरी मिर्च को भी भूनने से ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने बैंगन के छिलके निकाल लिए हैं, और ये हमारा टमाटर और ये अदरक भी अच्छे से भून चुका है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ना लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को ना छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। अब हम इसे ना कूट लेंगे और इसका ना दरदरा फॉर्म में एक पेस्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं टमाटर छील रही हूँ, साथ में बैंगन के ऊपर ही ना ये जो हमने मसाला बनाया है अदरक लहसुन हरी मिर्च का डाल करके अच्छे से मैश कर लेंगे। अब क्या होता है ना, बैंगन में ना इसका एकदम बढ़िया वाला फ्लेवर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब साथ के साथ यहाँ पर मैं प्याज काट लूंगी। तो मैंने 4 मीडियम साइज के प्याज ले लिए, एक ही साथ ना मैं काट लूंगी, जो कि हमारे चोखे में और जो सत्तू की जो फिलिंग है उसमें दोनों में काम आ जाएगा, इसलिए मैंने एक ही साथ चॉप कर लिया है। चॉप करते करते ना एकदम आंसू से ही आ गए प्याज काटते काटते, जो कि बहुत बार होता ही होता है सब लोगों के साथ। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े बाउल में निकाल लिया है बैंगन को मैश करके, साथ में 2 मीडियम साइज के प्याज डाल दिए, बारीक कटी हुई धनिया पत्ती, और एकदम अलग सा टेस्ट देने के लिए ना इसमें मैंने आम के अचार का मसाला यूज करा है। आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, बट इससे ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। फिर डाला है नमक मिर्ची और 2 चम्मच के करीबन सरसों का तेल, अच्छे से एकदम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा चोखा एकदम रेडी हो चुका है। आप चाहे तो गैस पर छौंक करके भी बना सकते हैं, लेकिन लिट्टी के साथ इसी तरीके का चोखा चलता है। तो अब बना लेंगे लिट्टी। तो यहाँ पर मैंने 2 कप के करीबन आटा लिया है, 1 चम्मच सरसों का तेल, साथ में थोड़ा सा नमक डाल करके ना इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो पहले ना आपको ना सूखा आटा ही मिक्स करना है, ताकि कि जो नमक और तेल है ना उससे अच्छे से आटा लग जाए, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके ना इसका डो लगाना है। तो इसका डो ना ज़्यादा सख्त लगाना है ना ज़्यादा सॉफ्ट लगाना है, एकदम मीडियम साइज का लगाना है। तो अब क्या करेंगे, इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सत्तू लिया है, साथ में डाल देंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटी हुई लहसुन, धनिया पत्ती, इसी के साथ थोड़ी सी मतलब मैंने पिंच भर के करीबन ना कलौंजी और अजवाइन डाला है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है सत्तू की फिलिंग में। और यहाँ पर मैंने मिर्ची के अचार का मसाला डाला है, साथ में बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, 2 चम्मच सरसों का तेल, उसके बाद नमक मिर्ची डाल दी है। तो बस इतनी चीजें रखनी और अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि अच्छा सा जो है चना मिक्स हो जाए। तो स्टफिंग को साइड कर देंगे, और ये जो आटा है ना इसको लिट्टी बनाने से पहले हल्का सा मसल लेंगे, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और इसके ना छोटे छोटे एकदम पेड़े निकालेंगे, ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे, क्योंकि लिट्टी के अंदर ना स्टफिंग ज़्यादा अच्छी लगती है, ना कि कच्चा आटा। तो इसलिए मैंने इस तरीके से इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए अच्छे से सॉफ्ट आटा लग चुका है। तो अब बिल्कुल छोटे छोटे मतलब एक साइज के जितनी बड़ी आपको लिट्टी बनानी हो आप उस अकॉर्डिंग इसके पेड़े बना लें। तो पेड़े बनाने में ये ध्यान रखें कि पेड़ों में ना बिल्कुल भी क्रैक्स ना हो, नहीं तो लिट्टी ना अच्छे से ना बनती नहीं है।
तो अब हम इसको ना एकदम ना दबा दबा कर कटोरी का शेप दे देंगे, एकदम जैसे हम पराठे बनाते हैं ना, नीचे को प्रेस करते हुए साइडों को ऊपर करते हुए। तो यहाँ पर मैं इसमें ना 2 चम्मच के करीबन सत्तू की फिलिंग डाल रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग अगर आप ज़्यादा फिलिंग पसंद करते हैं तो जैसे दादी मम्मी लोग करते हैं ना खूब सारी ठूस ठूस के फिलिंग, मैंने वैसे ही करी है। और इस फिलिंग को ना आपको नीचे को प्रेस करना है और इसकी साइडों को ना ऊपर को लाना है। इससे क्या होगा ना, स्टफिंग आपकी सेट हो जाएगी एकदम एक जगह पर और बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। और साइडों से भी ना इसको ऊपर ऊपर करते रहना है, बस अंगूठे का जो पोर्शन है ना उसको स्टफिंग को नीचे को प्रेस करने के लिए यूज़ करना है। तो इस प्रोसेस से अगर आप लिट्टी बनाएंगे ना तो लिट्टी की जो स्टफिंग है ना आपकी, मतलब जैसे लिट्टी बनती है ना एकदम बॉल जैसी, तो पूरी एकदम सख्त रहेगी, बिल्कुल भी दबेगी पिचकेगी नहीं और अच्छी तरीके से ना एकदम ठूस ठूस कर उसमें स्टफिंग होगी जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो इसको घुमा घुमा कर इसको मैंने अच्छे से सेट कर लिया और जो ऊपर का एक्स्ट्रा आटा है ना उसको मैंने निकाल करके अलग कर लिया है। तो ये एकदम अच्छी तरीके से एकदम हार्ड लिट्टी तैयार हो चुकी है। तो जो सबसे छोटी लिट्टी है वो एकदम लास्ट जितना बचा था मैंने उतना डाल दिया है। तो यहाँ पर मैंने ना नॉनस्टिक कढ़ाई ली है जिसमें मैंने घी से इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया है। लिट्टी डाल करके हल्का घी लगा के ना ढक करके इसको अलट पलटते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर में, मतलब 5-5, 10-10 मिनट बाद इसको अलटे पलटे। और जब ऊपर नीचे से पक जाए ना तो इस तरीके से साइडों को मतलब ऊपर नीचे करके साइडें सेक ले ताकि इसकी साइडें भी कच्ची ना रहें। तो इसी तरीके से मतलब मेरे को 20 से 25 मिनट लगे लिट्टी को तैयार करने में। तो वैसे नॉर्मली हम चूल्हे में बनाते हैं तो काफ़ी जल्दी जो है ये लिट्टी तैयार हो जाती है, तो गैस में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये देखिए हमारी लिट्टी एकदम तैयार हो चुकी है, कढ़ाई भी एकदम अच्छे से ग्रीस है अभी तक भी और बिल्कुल भी जली हुई चिपकी हुई नहीं है लिट्टी, एकदम वैसी फूली फूली है जैसे हमने इसको स्टफ किया था। तो अब हम गर्मा गर्म लिट्टी ना घी में डिप करके सर्व करेंगे। तो यहाँ पर मैंने रख दिया है चोखा जो कि हमने एकदम तीखा चटपटा आम के मसाले के साथ बनाया है, साथ में प्याज पुदीने की चटनी, घी में डूबी हुई और लिपटी हुई लिट्टी जो कि बहुत टेस्टी है और फीलिंग आप देख ही सकते हैं कितनी भर भर के बनाई है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी बहुत भी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे पेज को फॉलो करना ना भूलें।